हां जी रेणुका मेरे लिए आ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो काफी समय से मेरे दिमाग में है कुछ तरीके से पता है पर शायद ज्यादा जानना चाहती हूँ आज मृत्यु के बाद एक इंसान या उसके आत्मा के साथ क्या होता है होता क्या है मृत्यु के बाद कहा जाते हैं हमें हमारी जिंदगी के बारे में पता है पैदा हुए हैं और जो भी हुआ है पर मृत्यु के बाद क्या अगर आप इसे समझा सकें तो Uh, मृत्यु के क्षण मृत्यु के बाद और और मृत्यु होने के बाद बीच में जन्म से से पहले में पूरा पूरी तरीके समझाने की कोशिश करूंगी और बहुत uh, अच्छी तरीके से क्योंकि मेरा पंद्रह साल का अनुभव रहा है क्लाइंट्स के साथ तो मुझे अच्छे से पता है ये जर्नीज कैसे होते हैं सोल uh, जर्नीज बोलते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंसान जब मृत्यु के एकदम करीब पहुंचता है मैं उन एक्सीडेंट या सडन डेथ की बात नहीं कर रही एकदम अचानक जो होते जो मृत्यु के एकदम पास क्षण में पहुंचता है उनके मन में अचानक से उनकी जीवन की वो सारी चीजें दिखाई देती है जहां उनको अफसोस हुआ हो इंग्लिश में कहा जाए तो रिग्रेट हुए हो काश ऐसा होता काश मैं ऐसा करता काश वो वैसा करता तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में इंसानी मन ये सारी चीज में जाता है बहुत ही कम ऐसे इंसान होते जिनको ये क्षण नहीं होते जो ये सोचते कि अब मैं तैयार हूं मृत्यु के लिए बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं। ये होता है मृत्यु के क्षण के थोड़े सेकेंड्स uh, पहले जो एक इंसानी मन होता है अब जैसे ही मृत्यु होती है शरीर वही रहता है और हम जिसे आत्मा बोलते हैं सोल वो तुरंत उस शरीर से अलग हो जाता है कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने इस इंसान से अब भी एक घंटे पहले झगड़ा किया मुझे पता नहीं था कि इसकी मृत्यु होने वाली है ये इंसान को तो मेरे लिए बहुत गुस्सा होगा मेरे लिए क्या सोच रहा होगा ये मृत्यु के बाद मैं तो माफी भी नहीं मांग पाई इस इंसान से ठीक है लेकिन मैं उनको ये तसली देना चाहती हूँ कि जैसे एक इंसान एक शरीर से मृत्यु के वक्त अलग हो जाता है आत्मा बन जाता है उसी क्षण वो आत्मा इतना हल्का महसूस करती है और इतना प्रकाश हर जगह महसूस करती है उनको ऐसा लगता है कि अब मैं पीछे मुड़के नहीं देखो आत्मा का ये एहसास होता है उनको ऐसा लगता है बस अच्छा हुआ छूट गया वो जिंदगी बहुत ही भारी थी भले उनकी जिंदगी बहुत अच्छी रही हो लेकिन वो जो भारीपन आता है जिंदगी के साथ शरीर के साथ उससे वो मुक्त हो जाते तो आत्माएं फिर ये सब याद नहीं करती कि मेरे साथ इसने क्या किया इसने क्या इसने क्या, -क्या, इसने क्या, -क्या। वो सिर्फ कुछ ही आत्माएं होती है लेके बैठती है वो इमोशन की इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया इसने मेरे साथ अच्छा किया इसने ये किया तो वो आत्माएं शरीर से जैसे ही अलग हो जाती है वो ऊपर प्रकाश की ओर जाने की जगह बीच में अटक जाती है उसी को हम सोल्स बोलते हैं या आत्माएं है जो मुक्त नहीं होती है और जो आत्माएं जैसे कि मैंने कहा तैयार है जीवन को शरीर को छोड़कर आगे का जर्नी जो भी है वो देखने के लिए वो आत्माएं जाती है प्रकाश की ओर और।, और फिर प्रकाश की ओर जो जाती है आत्माएं वो प्रकाश क्या है वो हमारा असली घर है वो एक आत्मा हम लोग जो एनर्जी से हमारा असली घर वही है तो हम जब भी उस घर की ओर पहुंचते हैं हमारे पास वापस ऑप्शंस दिए जाते हैं नए जन्म में जाना है कब जाना है या यहीं रह के थोड़ा बहुत देखना है या किसी को हेल्प करना है किसी दुनिया को हेल्प करना है किसी इंसानों को हेल्प करना है तो आत्माओं के पास बहुत सारे ऑप्शंस होती है वहां पर और ये सारी चीजें मैं स्टोरी फॉर्म में नहीं बोल रही ये सारी चीजें मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बताई है उनके खुद के ट्रांस में डीप ट्रांस में जाके और मेरे अलावा भी कई सारे पुस्तके हैं जो यही सारी चीजें बोलती है जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो आत्माओं के पास फिर चॉइसेस रह जाती है कि आगे का फिर क्या करना है तो मृत्यु के कुछ क्षणों पहले मृत्यु के तुरंत बाद और फिर बीच में क्या होता है यही सारी चीजें होती है तो इसलिए जो भी इंसान डरते हैं मृत्यु से उनके लिए और एक मैसेज डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जो क्षण है वो ऐसा क्षण है कि इंसान को लगता है कि बस मैं यही रह जाऊ अब इसी आत्मा के रूप में क्योंकि कितना हल्कापन महसूस हो रहा है और इसका मैं एग्जाम्पल देखकर मैं खत्म करूंगी ये जवाब जब भी मेरे क्लाइंट्स एकदम डीप ट्रांस में जाते हैं एकदम डीप और वो जब ऐसे ही बीच में मृत्यु और अगले जीवन के बीच के स्थानों में होते हैं मतलब उनके घर में आत्माओं के घर में जब उनको वापस बुलाने का वक्त आता है मैं बोलती हूँ फाइव फोर थ्री टू वन वापस आ जाओ धरती पे अपने शरीर में कई सारे लोग आते ही बोलते मुझे वापस आना नहीं था <laughs> मुझे वहां बहुत अच्छा लग रहा था <laughs> तो इसलिए मृत्यु से भी मत डरी ये होता है आत्माओं का जो जर्नी है बहुत बहुत शुक्रिया काफी तरीके से समझ में आया कि किस तरीके से एक इंसान जिसको डर लगता है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होगा पर वो तो अपने घर ही जा रहा है तो उससे अच्छी एक या उससे प्यारा अनुभव और कुछ नहीं हो सकता और शायद जो अनुभव की बात हम कर रहे हैं वो भी सिर्फ इस धरती पे ही होता है और उस उस जगह का कुछ मुझे सही में शब्द नहीं मिल रहे हैं कि उसको किस तरीके से बोलूं सिर्फ आपके जो बात करने से जो आपने हमें बताया आज उसी में इतना सुकून महसूस हो रहा था तो so, अगर उस जगह पे जब जाएंगे तो कितना सुकून महसूस होगा जी धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद गुरजोत आपको और कोई सवाल था हाँ जी एक सवाल था कि जो वो एक क्षण में जो ऐसा लगता है कि एक डर लगेगा जब हम मरेंगे या एक बहुत घबराहट होगी अगर सांस निकल जाएगी क्योंकि अभी भी अगर आप अपना नाक बंद करें थोड़ी देर के लिए सांस रोक के रखें तो एक छटपटाहट सी होती है सो so, मृत्यु के समय भी क्या यही होता है या कुछ और है छटपटाहट जो होती है वो सिर्फ इंसानी दिमाग में होता है मृत्यु के वक्त तो आत्माएं जिस तरीके से हमारा ख्याल रखती है अपने शरीर का भी उसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगी जो मैसेज मिला था आपको याद होगा टू थाउजेंडीन की बात है शायद ऑस्ट्रेलिया के फायर में में बहुत बहुत सारे सारे मतलब जहां आग लगी थी जंगलों प्राणी उस आग में जल के मर गए थे बहुत क्यूट दिखने वाले प्राणी मेरे हिसाब से तो तो वो जो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बेचारे कितने तड़प के आग में जल के मरे होंगे लेकिन आपको पता है एक मैसेज आया था उस वक्त ये भी ट्रांसेशन में आया था कि वो जो भी प्राणी थे उनको उनकी तड़प उन्होंने महसूस नहीं की क्योंकि उनकी जो आत्मा थी उनकी आत्मा ने उस शरीर को पहले ही छोड़ दिया था तो वो जो जल रहा था वो सिर्फ उनका शरीर था और उनके शरीर को कोई भी पेन या कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक बेजान सा शरीर था आत्मा निकल चुकी थी तो इस तरीके से आप जो सोचते कि मृत्यु के वक्त क्या पता छटपटाहट हो या मुझे बहुत दर्द हो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आपकी मृत्यु भले कितने भी भयंकर तरीके से आपको लगता है क्या पता ऐसा हो जाए एक्सीडेंट हो जाए और भयंकर तरीके से मेरी मृत्यु हो जाए आपकी आत्मा आपको वो अनुभव जो हुआ है उसको कम से कम स्थिति में बहुत अच्छे रूप से अः आपको उस जन्म से निकालेगी यानी आपको मृत्यु देगी आपको इतनी ज्यादा छटपटाहट महसूस नहीं होगी हाँ लेकिन एक चीज यहाँ मैं बोलना चाहूंगी अगर कर्म के हिसाब से आपके खुद के आत्मा ने ये चुना है कि मुझे जब मृत्यु आए तो मुझे पूरी तरीके से शारीरिक रूप में उसको अनुभव करना है क्योंकि मेरा ये कार्मिक फल है मुझे ये अनुभव करना है क्योंकि पिछले जन्म में मैंने किसी के साथ ऐसा किया था और उसकी मृत्यु ऐसे हुई थी तो मुझे इस बार अपने कर्म का वो फल भोगना भौग, है ऐसे आत्मा अगर डिसाइड कर लेती है निर्णय ले लेती है तो फिर वो शरीर उस कर्म को पूरी तरीके से भोग के फिर मृत्यु लेता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा जीवन आपने जिस तरीके से दिया जिया है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपके कर्म कैसे हैं और आपकी मृत्यु आगे जाके कैसी होने वाली है छटपट नहीं होगी बस अपना मन निर्मल रखिए इंटेंशन प्योर रखिए और पल पल में अपना पूरे मन को अच्छे से जीइए थैंक यू